जय माता दी दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदायी बनाने में ज्योतिष शास्त्र का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की दैनिक दिनचर्या को सफल बनाने के लिए हमारे दैनिक राशिफल के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कन्या राशि वालों का 28 और 29 जनवरी 2021 दिन गुरुवार और शुक्रवार का दैनिक राशिफल कैसे रहेंगे। आपके ये आने वाले गुरुवार और शुक्रवार के दोनों दिन, चलिए जानते हैं। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे। कोई आपकी उदारता से प्रभावित होकर दिन के अंत तक आपसे अपनी भावना का इजहार कर सकता है। हालांकि अभी भी आपके मन में कड़वे अनुभव भरे हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप सारी नकारात्मकता को दूर करके एक नई शुरुआत करें। आज इस बात की संभावना है कि आपको साझे प्रयोग की किसी चीज से त्वचा का संक्रमण हो जाए, इसीलिए अन्य नहाने धोने तथा साफ सफाई की चीजों को ध्यान पूर्वक अलग तथा साफ सुथरा ही रखें। दरअसल अब आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त साफ सफाई रखनी होगी। आपको अपनी आँखों को भी धूल मिट्टी से बचाना होगा, नहीं तो आँखों में भी एलर्जी की समस्या हो सकती है। आज का दिन कुछ बातों को स्पष्ट करने और छिपी हुई बातों को सामने लाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बातों को स्पष्ट करना एक ऐसी जरूरत है जिसे आप टालते रहे हैं। इससे आपके संबंध में पारदर्शिता आएगी और नई ताजगी मिलेगी। दिन के आखिर में शाम तक प्रिय की ओर से रोमांटिक मूड का तोहफा मिल सकता है। बड़े रोजगार के अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से इस बारे में सोचें और आपके पूर्ण संतुष्ट होने पर अपने करियर की दिशा परिवर्तित करें। आपका सहकर्मी नौकरी को त्याग सकता है और उसकी जगह आप किसी जरूरतमंद को अपने यहाँ काम पर लगवा सकते हैं। हालांकि आप अवगत नहीं है, लेकिन आपके मूल्य काफी उच्च स्तर के हैं। आपके वेतनमान में बढ़ोतरी की संभावना रहेगी और आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। चाहे आप किसी भी पद पर हो, सभी परेशानी भरे मुद्दों को आपके पक्ष में सुलझाया जाएगा, इसलिए आप उन सभी बाधाओं को आसानी से पार कर सकते हैं जो आपकी सफलता के मार्ग को रोक रही हैं। कड़ी मेहनत और एकाग्रता आपको सभी स्तरों में अधिक से अधिक लाभ पाने में मदद कर सकते हैं। बच्चों पर नजर रखें, आप उनकी जांच कर सकते हैं या उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। बच्चे शायद कोई गलत या अनुचित विकल्प चुन सकते हैं और दुर्घटनाओं जैसे परेशानियों की चपेट में आ सकते हैं। आप नए कनेक्शन तक पहुंचने और ताल्लुकात बनाने के लिए पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अफेयर, शादी, भागीदारी, दोस्ती और परिवार या सामाजिक सर्कल में नए सदस्य के आने से आपके लिए प्यार अभी हवा में है। अनिश्चितताएं आपके विचारों पर हावी होंगी और जो आपकी निर्णय शक्ति को विपरीत ढंग से प्रभावित कर सकती हैं। दूसरे लोगों से सलाह लिए बिना कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। सूर्य देव माता जी को कुछ स्वास्थ्य कष्ट पहुँचा सकते हैं। आज आप जो भी काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उसमें किसी तरह के फैसले से पहले आपको अच्छी तरह अपनी रिसर्च और विचार विमर्श कर लेना चाहिए। इसके बाद ही कोई निर्णय लें। ये आपके लिए नया काम शुरू करने में काफी मददगार हो सकता है। आपको अपना शाम का समय प्रेमी या जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने के लिए रखना चाहिए। आप कोई नया उद्यम शुरू कर सकते हैं। निवेश करने से पहले अपना शोध करें। अपने साथी के साथ मूवी डेट आपको आराम करने में मदद करेगी। आप स्वस्थ रहने के लिए योग और रेकी शुरू कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। आज आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी। आपकी कल्पनाशीलता भी बहुत प्रभावी रहेगी। ऐसे में आपको अपनी योजनाओं के प्रति थोड़ा सावधान रहना होगा। अपनी कल्पनाशीलता और सकारात्मकता पर इतना अंकुश जरूर रखें कि आप अपने दायरे की अपने सामने आने वाली अविश्वसनीय चीजों और बातों पर विश्वास न कर बैठें। किसी भी स्थिति की बहुत ज्यादा अपेक्षा न करें और अगर आपके मन में ऐसी अपेक्षा आती भी है तो उसके साकार होने के पहले कम से कम किसी से व्यक्त न करें। यथार्थ से परे न हो, पूर्व शत्रुओं के मित्रता प्रस्ताव पर पूरा विश्वास न करें और जिस पर भी विश्वास करें उसमें अति न करें। अपने निजी जीवन में आज आप अपने मित्रों और अपने प्रेमी की ओर से बहुत प्रसन्नता और आनंद प्राप्त करेंगे। कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आज आपसे मिल सकता है। प्रेमी जोड़ों को आज सुखद आश्चर्य हो सकता है। हो सकता है कि उनके ही परिवार का कोई व्यक्ति या कोई अन्य रिश्तेदार या परिचित उनका विवाह प्रस्ताव लेकर आए। आज आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार पर झुंझलाहट होगी।
अनबन को बहस में न बदलने दें, वरना बात बिगड़ भी सकती है। अपने प्रेमी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आज आपकी पैसों की आवक कमजोर रहेगी, आपका व्यय ज्यादा होगा। नौकरी में आज सुस्ती का माहौल रहेगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा, थकान और बेचैनी रहेगी। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो जल्द से जल्द अपने चिकित्सक से संपर्क करें। आज विद्यार्थियों को किसी महत्वपूर्ण अवसर, इंटरव्यू, परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी करना आवश्यक होगा, लेकिन पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। योजनाबद्ध ढंग से पढ़ाई करें तो आपको सफलता मिलेगी। आज आप निष्क्रियता एवं थकावट महसूस करेंगे, यह आपके सक्रिय स्वभाव के विपरीत होगा। सहजता से क्षुब्ध भी हो जाएंगे। यदि आपकी सजग होने की प्रवृत्ति है तो आप लोगों के प्रति, उनके उद्देश्यों, परिस्थितियों इत्यादि के प्रति बहुत शंकालु बनती हैं। ऐसा कोई भी वायदा जो कार्य को आज आपके पक्ष में कर सकता है, उसे करने के पूर्व आप प्रत्येक चीज को विश्लेषण करके समाप्त करेंगे। ध्यान से आपको उस तनाव और दबाव से निपटने में सहायता मिलेगी जिससे आप पीड़ित होते हैं। तनाव आपकी शारीरिक मजबूती और ताकत को समाप्त करेगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे, पुराना रोग उभर सकता है, कुसंगति से हानि होगी। वस्तुएं संभाल कर रखें, किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर अतिविश्वास न करें। पहले से अटके और अधूरे काम भी आज पूर्ण कर सकते हैं। धर्म कर्म के काम में रुचि रहेगी, किसी शुभ और मांगलिक काम में शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग मंदिर और पवित्र स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। व्यवसाय ठीक चलेगा, उतार चढ़ाव रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्यस्थल पर आ रही परेशानियों से निपटने के लिए किसी साथी की मदद लेनी होगी। कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य भी संभालिएगा। संभवतः सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहिएगा, मानसिक रूप से व्यग्रता बनी रहेगी। खान पान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, चिंता बनी रहेगी। आज के दिन सकारात्मक ग्रहों के फलस्वरूप स्वभाव में प्रसन्नता, सकारात्मकता, उत्साह जैसे सद्गुणों में वृद्धि होगी। ऑफिस में यदि आप फाइल मैनेजमेंट के अंडर कार्य करते हैं तो अपने डेटा को मैनेज करने में ध्यान देना चाहिए, बॉस आपके कार्य की जांच कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग आज के दिन सरकारी नियम एवं कानूनों का पालन करें, उनके उल्लंघन से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को आर्थिक लाभ हो सकता है। सेहत की बात करें तो यह समय शारीरिक कष्ट को लेकर सतर्क रहने का है, योग को शामिल करना उत्तम होगा। अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आज आप अपने काम को लेकर संतुष्ट रहेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत आपको खुशी दे सकती है। बच्चों से असहमति के चलते वाद विवाद हो सकता है और यह झुंझलाहट भरा साबित होगा। पुराने दुश्मन फिर से दोस्त बन सकते हैं। परिवार में पत्नी और पुत्र से अच्छे समाचार मिलेंगे। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें, कुछ खास मामलों में आप खुद तय नहीं कर पाएंगे कि क्या करें और क्या न करें। पिता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण करें। लंबी बीमारी को नजरअंदाज न करें, नहीं तो आगे चलकर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आज आप काफी पैसे बना सकते हैं, लेकिन इसे अपने हाथों से फिसलने न दें। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। मुमकिन है कि यह आपके रोमांटिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर होगा, जो आपको दिल पूरी तरह से तोड़ सकता है। आज का दिन थोड़ी दिक्कत ला सकता है, लेकिन आप धीरज और शांत मन से हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकते हैं। साफ गोई से अपने मन की बात कहने में घबराएं नहीं। आपके वैवाहिक जीवन के लिए यह जीवन के सबसे मुश्किल समय में से एक हो सकता है। आज आपके आसपास के लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। आपकी कड़ी मेहनत अंत में रंग लाई है। आपके अच्छे प्रदर्शन के कारण अधिकारियों द्वारा आपको अधिक उत्तरदायित्व सौंपने पर विचार किया जाएगा। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। अंततः आज आप खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। आप मेहनत तो काफी समय से कर रहे थे, पर पैसा नहीं जुट पा रहा थे। ना चाहते हुए भी पैसे खर्च हो जाते हैं। आज वे दिन है कि आप अपने खर्चे और आय का ठीक से लेखा जोखा कर लें। इसका भविष्य में फायदा मिलेगा। आज का दिन मिला जुली प्रतिक्रिया देने वाला है। पिछले किए गए प्रयासों का फल मिलने वाला है। आपकी भूमिका नेतृत्वकारी भी हो सकती है। पुरानी चिंताओं को भूल कर आगे बढ़ने की सोचें। आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आर्थिक लाभ कर आएंगे। किसी भी समस्या पर घबराने की बजाय अपनों सलाह लें, लेकिन दांपत्य जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। इसके लिए आज आप अपने बेडरूम में दो तोते की तस्वीर लगाएं। ऐसा करने से अपने जीवन साथी से बढ़ रही अनबन दूर हो जाएगी और रिश्ते में मधुरता आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कन्या राशि वालों का 28 और 29 जनवरी 2021 दिन।
गुरुवार और शुक्रवार का दैनिक राशिफल। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मिल सके हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।